ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल आर्किटेक्चर अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, और दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इज ऑन कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन। इंडिया में अभी तक भी कोई कंस्ट्रक्शन लॉ नहीं है। हम लोग एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसे फॉलो करते हैं, एंड दैट इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल डिसिप्लिन्स के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई नहीं है। 30% ऑफ GDP गोज इन टू कंस्ट्रक्शन वर्क, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, स्टेक होल्डर बहुत होते हैं, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है, तो उसमें हमेशा डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस बहुत होते हैं। और जब डिस्प्यूट होते हैं, और एक मेन रीज़न ये कि देयर इज नो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो बाहर के फॉर्म्स हैं उनको यहाँ लेते भी हैं तो उनको वो मॉडिफाई कर देते हैं, तो ओरिजिनल शेप चली जाती है, उससे और कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इट विल कंसंट्रेट ऑन के कंस्ट्रक्शन लॉ इंडिया में होना चाहिए और क्या उसकी खासियत होनी चाहिए जिससे कि डिस्प्यूट्स मिनिमाइज हों। हम लोगों का मेन एफेस ये है। दूसरा, हमारा अपना रोल क्या हो उसमें, आर्बिट्रेटर जो है टेक्निकल आर्बिट्रेटर से उनका क्या रोल होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन है हम लोगों का एम्फेसिस है कि डोमेन एक्सपर्टाइज लोग वाले उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और जिन लोगों को इसके बारे में पता है दे कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज बेटर, और डिसीजन भी क्विक देंगे और रीजनेबल देंगे, तो कॉस्ट ऑफ जो अवार्ड है वो काफ़ी कम हो जाती है, स्पेशली डैमेजेस के केसेस में कॉस्ट ऑफ डैमेजेस जो मिलती हैं लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, उतनी मिलेंगी जो रीजनेबल हैं, विच इज़ नॉट द। एक है फेलोशिप, फेलो जो है जिनको 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, वो होते हैं, तो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स कैन ओनली बिकम मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। फिर दें मेंबर्स जिनकी 10 ईयर एंड मोर एक्सपीरियंस है, तो फिर थर्ड है स्टूडेंट कैटेगरी है, तो कोई जो पढ़ रहे हैं या जस्ट पास हुए हैं उससे नेसेसरी है तो दे कैन बिकम स्टूडेंट मेंबर्स। उन्हीं लोगों को जिन्होंने आर्बिट्रेशन केसेस किए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है एंड दे हैव डन गुड जॉब इन आर्बिट्रेशन फील्ड, उनको ही हम पैनल करते हैं। परेवा हूँ, इस इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल आर्किटेक्टर्स का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ, जो कॉन्फ्रेंस है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये जो अभी चेयरमैन सर ने काफ़ी कुछ बताया है, मेन पर्पज कॉन्फ्रेंस करने का, ये 5वीं कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन पर्पज ये है क्योंकि हमें जो हम टेक्निकल लोग हैं देन आर्बिट्रेशन थोड़ा लीगल है, इन दोनों का मिक्सचर होने से नॉलेज शेयरिंग होती है आपस में एक दूसरे की, जो जो जहाँ जहाँ जिस फील्ड में काम कर रहे हैं लीगल है या टेक्निकल है उनको आपस में शेयरिंग के बाद में डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आता है। और अभी जो प्रोफेशनल्स हैं एक्चुअली ये डायनेमिक हैं और चेंज होता रहता है, तो ये अपडेशन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। जिससे अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो भी है वो कहीं ना कहीं समाज को ऊपर ले जाती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, और अगर वो कंस्ट्रक्शन टाइम से होता है तो उसका डेवलपमेंट विकास का स्पीड बढ़ती है। किंतु अगर मान लो डिस्प्यूट होता है, मान लो कंस्ट्रक्शन एक ठेकेदार है एक मालिक है, उन दोनों के बीच में कहीं डिस्प्यूट होता है तो वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, और लेबर ओरिएंटेड है वो चीज़ें रुक जाती है, तो डेफिनेटली अर्निंग पे इफेक्ट होता है। अब जब ये डिस्प्यूट आते हैं, अगर आप सिंपली अगर कोर्ट्स में जाते हैं तो ये टेक लॉन्ग 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 टाइम, लेकिन यहाँ अगर आर्बिट्रेशन में आते हैं, मध्यस्थता में आते हैं, तो इसके लिए टाइम लिमिट फिक्स की। अच्छा, आपकी संस्था मध्यस्थता भी करवाते हैं? मध्यस्थता भी करवाते हैं, और जो मध्यस्थ होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए एक ये है कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उसके हिसाब से चलता है, और आर्बिट्रेशन एक्ट में उस मध्यस्थता का जो डिस्प्यूट है उसको टाइमली पूरा करना है। तो एक तो ये है, जो टाइमली पूरा होगा आपकी आगे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे तो समाज पर भी इम्पैक्ट होगा, उसका विकास होगा, लोगों को अर्निंग होगी, तो ये सब है। आज के अभी जो ध्येय है सब विकास के ऊपर एम्फेसिस है। विकास का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उनका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? पब्लिक को मिलता है।
अब वो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करता है, टेक्निकल लोग, इंजीनियर्स लोग करते हैं, उनको हम टाइमली कंप्लीट कर देते हैं तो पीपल आर बेनिफिटेड। अब आपका रोड बन रहा है, मान लीजिए बॉम्बे और दिल्ली हाईवे बन रहा है, तो उसके बोथ साइड्स डेवलपमेंट होता है, पब्लिक आर इज़ बेनिफिटेड। तो सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डैम्स हों या पोर्ट हों, एयरपोर्ट हों, रोड्स हों, रेलवे हैं, सभी का जो विकास होता है उससे पब्लिक को ही फायदा होता है। ये जो मेन पर्पज है, हम लोग तो ट्रेनिंग ही देते हैं उनको, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो भी हम लोग लेक्चर्स अरेंज करते हैं, सेमिनार्स, इंटरेक्शन प्रोग्राम, ओनली फॉर स्किल डेवलपमेंट। उससे वो यंग जनरेशन को गेन होता है और फिर आगे देश को बेनिफिट करता है। कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल तो हो रही है, तो मास स्केल जो दो साल में लगभग कराते हैं, किंतु हम क्वार्टरली यानी हर एक तिमाही में वर्कशॉप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, एडवोकेट्स को, और अकाउंट्स ऑफिसर जो इसको फाइनेंस देखते हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स को लाइजन करके उनके डिपार्टमेंट में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इसलिए क्या है कि जिनको अपडेशन नहीं है उनको अपडेट, हम कर रहे हैं उन्हें पूरा इसका ज्ञान नहीं था, वो जान के बहुत खुश हुए और उन्होंने यही कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़ा देश की उससे प्रगति होगी। यूके से हैं, सिंगापुर से हैं, मॉरिशस से हैं, और दुबई से हैं, नेपाल से भी हैं, और भी दिल्ली तो है, दिल्ली इंडिया के लोग चारों तरफ पार्ट है। Always that in absence of that contract document, I will say, Mr. Kavi, not 20 contract documents, more than 20 contract documents are running in India. Every contract document has a different type of clause for the same thing. But even you take that how the extension of time will be given, every contract document has a different procedure. Sometimes we don't give extension of time and we say no, carry out the work. That is a time at large and we forget that we can't live. I'm sitting with one judge presently, he's a presiding arbitrator from Supreme Court. And the way he was doing everything, that I went on Facebook to search what is his qualification, he's an IIT engineer. So, take my words that we engineers are required to understand the basic knowledge.